अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी सादिया हसनैन। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने लगी हूँ ब्राइडल एंड पार्टी मेकअप। और जो ब्राइडल्स पार्लर में नहीं जा सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती मेरी बहनें, वो ये मेकअप देख के जो है वो घर बैठे अपना ब्राइडल मेकअप कर सकती हैं। ये बहुत प्यारा और ईजीली हो जाता है, ठीक है। आप लोग जो है वो ये मेरी फुल वीडियो देखें और उससे जो है वो आप लोगों को मेकअप आ जाएगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपका ही मतलब कि नुकसान है, मेरा तो कोई नहीं नुकसान। तो वीडियो को जो है फुल वॉच करिएगा। चलिए देख लेते हैं फिर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सबसे डार्क ब्राउन शेड लिया है और मैंने पैलेट इस्तेमाल किया फाइनल टच। आप लोग कोई भी पैलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो घर में। बस आप लोगों ने उसमें से मैट शेड लेना है, डार्क ब्राउन कलर, ठीक है। डार्क ब्राउन से ही जो है वो क्रीज बनती है, क्रीज बहुत अच्छी से बन जाती है सबसे पहले, इसीलिए हम लोगों को जो है वो क्रीज का कलर लेना चाहिए। क्रीज एरिया बनाने के लिए हम लोगों ने उसको अपनी क्रीज एरिया पर अप्लाई करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट एरिया पे अप्लाई करना है, फिर अपनी आईज के नीचे से अप्लाई करना है और ब्लेंड मतलब के शेड नहीं लेना, जो शेड उस ब्रश के अंदर है ना उसी को आप लोगों ने नीचे भी अप्लाई कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ये मेहरून शेड लेना है, ये मेहरून या पता नहीं वीडियो में क्यों ये पर पता नहीं किस तरह का पर्पल सा शेड शो हो रहा है, तो मेहरून शेड लेना है और उसको आप लोगों ने जो है वो अपनी उसी ही कलर के ऊपर दोबारा डेप्थ देनी है और ज़्यादा डार्क करना है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है ब्राइडल मेकअप में। और उसके बाद इसको जो है वो नीचे अप्लाई नहीं करना, ठीक है, ऊपर ही सिर्फ अप्लाई करना है और उसको अच्छी तरह जो है ब्लेंड करते जाना है। तो उसके बाद हम लोगों ने ब्लैक मैट में जो है ना ब्लैक शेड लेना है और इस तरह आउटर वी पे ना जो है इसे डेप्थ देनी है, ठीक है, ज़्यादा जो है वो आउटर वी पे देनी है और थोड़ा सा अप्लाई करना है, ज़्यादा भर भर के नहीं अप्लाई करना, थोड़ा सा लेना है और उसी ही ब्रश के ऊपर जो लगा होगा ना उसको आइस के नीचे आपने अप्लाई कर लेना है, ठीक है। और फ्लफी ब्रश लेना है, छोटा सा स्मॉल सा, तो मेरे पास ये था, मैंने ये ले लिया है। आप लोगों के पास अगर कोई भी है तो आप लोग वो इस्तेमाल करें छोटा सा। तो आप लोगों ने इसे देख लिया, अप्लाई कर लिया मैंने इसको, अब बाद में जो ब्लेंडिंग करनी है फ्लफी ब्रश की मदद से ही करनी है, तो इसको अच्छी तरह जो है वो ब्लेंड कर लेना है ताकि तीनों कलर्स जो है वो आपस में मर्ज हो जाए, ये ना लगे कि हम लोगों ने ब्लैक कलर जो है वो ऊपर भर भर के अप्लाई किया अलग से, ऐसे तीनों प्यारे से शेड बन जाए, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना है, तीनों कलर्स को आपस में जो है वो अच्छी तरह ब्लेंडिंग कर देनी है। और ब्लेंडिंग आप लोगों ने गोल गोल नीचे से आप लोगों ने ब्रश को पकड़ना है, ज़्यादा ऊपर से नहीं पकड़ना। और उसके बाद हम लोगों ने जो है इसी पैलेट में से शिमरी शेड लेना है, ठीक है। और शिमरी शेड लेकर तो आप लोगों ने इसको अप्लाई करना है लिड एरिया पर, जहाँ पे हम लोगों ने कहीं भी अप्लाई नहीं किया था ये। और इसकी क्रीज कोई कट नहीं करनी, क्योंकि क्रीज कट करना बहुत मुश्किल है, तो मतलब कि बिगिनर्स के लिए, आप लोगों के लिए, तो इसीलिए हम लोगों ने मैंने जो है वो इसी तरह आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों ने भी इस तरह लगानी। उसके बाद ये मैक वालों की ग्लू ले लेनी है, मैक वालों की ले लें या उसके ऊपर मैक ना भी लिखा हो तो ये ग्लू अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने जो है ग्लिटर अप्लाई करना है, पर्पलिश ग्लिटर है, ठीक है। ये अप्लाई करने के बाद अच्छी तरह जो है इसे अप्लाई कर लें जहाँ जहाँ आप लोगों को लगता है कि हमें चाहिए वहाँ वहाँ। उसके बाद आप लोगों ने लाइनर ले लेना, जेल लाइनर, मैंने एपीके का जेल लाइनर ले लिया और उसको जो है वो थोड़ा थोड़े स्टॉक में मतलब के छोटे छोटे स्टॉक्स में जो है वो इसे अप्लाई करना शुरू कर दे। कोई विंग लाइनर नहीं बनाना, कोई सादा लाइनर नहीं लगाना, बस सिंपल सा जो आँख के साथ साथ लैशेस के साथ साथ जो है वो आई लाइनर अप्लाई करते जाना है। और थोड़ा सा आगे से जो इनर कॉर्नर बनाना है, तो अगर मेरी किसी बहन को अच्छे से इनर कॉर्नर बनाना आता है तो वो बना ले, और अगर किसी को नहीं आता तो आप लोग वैसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी अच्छा लगता है, और अगर आप लोगों को आता है तो आप बना लें। उसके बाद मैंने ये दोबारा डार्क ब्राउन शेड लिया है, मैंने ब्राउन कलर के लेंस लगाने हैं तो मैंने ब्राउन ही जो है शेड अपनी आईज के अंदर अप्लाई कर लिया, कुछ भी नहीं होता इससे। और अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप लोगों के पास कोई काजल है ब्राउन तो आप लोग वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप लोग लेंस कोई और कलर के पहन रहे हैं तो आप लोग वो कलर का शेड भी जो है वो अपनी आईज में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में जैसे आप लोगों ने मेरी देखा, उसके बाद मैंने मस्कारा अप्लाई किया कर्ल करने के बाद लैशेज़ को, क्योंकि ब्राइडल मेकअप है, लैशेज को कर्ल करें अच्छा सा। और यहाँ पर जो ये देख सकते हैं लाइन ब्राउन लेंस मैंने पहन लिए हैं, आज मैंने लैशेज़ भी आप
लोगों के सामने ही स्टक की हैं। और ये देख सकते हैं ब्राइडल लैशेज हैं, हैवी लैशेज ब्राइडल। तो आप लोग अगर पार्टी में जा रहे हैं तो लैशेज थोड़ी सी लाइट वेट ले लें, और अगर आप ब्राइडल बनने जा रही हैं तो आप लोग थोड़ी सी हैवी लैशेज लें। और उसके बाद मैंने ये ब्राउन गोल्डन सा जो है वो ले लिया हाईलाइटर, उसको अपनी आईब्रो बोन पर इनर कॉर्नर पर अप्लाई किया है। ये है फाइनल लुक। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये फाइनल लुक ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मुझे मत भूलना। इंस्टाग्राम का नेम है sadia.hasnain.2019। तो वहाँ भी मुझे फॉलो करें और मेरी वीडियो को जो है वॉच करें। तो ऐसी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।